राजस्थान में चुनाव से पहले एक तस्वीर ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ अशोक गहलोत बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर वायरल होने के बाद लोग इसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। इस मुलाकात का राज्य की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों वसुंधरा राजे और राज्य भाजपा नेताओं की अदावत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में इस तस्वीर के सामने आने से राजनीतिक हलकों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस बीजेपी के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं। यह मुलाकात महज इत्तेफाक थी या कुछ और? राजस्थान में वसुंधरा राजे पूरी तरह से साइडलाइन है। वसुंधरा राजे ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे विधानसभा सत्र के दौरान एक साथ दिखाई दिए थे। इसके बाद यह पहला मौका है जब दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए हैं। दरअसल राजधानी जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे। काफी लंबे समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक साथ दिखाई दिए हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तस्वीर वायरल हुई थी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे की तस्वीर के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।